अज शसरा पंजाब की मीटिंग मोगे बुलाई गई है जिसका मुख्य मुद्दा पंजाब के भारत लगे हुए सिख रेफरेंडम की जी गल मुद्दे से बोर्ड लग रहे हैं वो विरोध में अ शिवसेना पंजाब की मीटिंग मोगे नवनीतपुर की अध्यक्षता बुलाई गई है। साड़ी को एक गल का साड़ा एक सवाल है पंजाब सरकार को पंजाब के लोगों भी असं पूछना चाहते हैं भी पंजाब दे विच सिख रेफरेंडम की नहीं हिंदू समाज के रेफरेंडम की लोड़ हैगी है। यह सवाल क्यों उठाया गया? अमृतसर दो धार्मिक स्थान ने श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब श्री दुर्गियाना मंदिर पर जिहड़ी भी सरकार आई उन्हें इको एक गल की सिर्फ हरिमंदर साहब के वाल पासे ध्यान दिता वो गलियारे लिए रस्ते लिए सजावट के लिए करोड़ों करोड़ों अरबा रुपया खर्च कर दिता पर श्री दुर्गियाना मंदिर के वास्ते कोई ध्यान नहीं दिता गया। दूजी गल आज पंजाब के अत्तवाद पीड़ित की गल कर लिए चाहे हजारों ही हिंदू मारे गए पर उन्होंने मुआवजे की राशि एक पैसा नहीं दिता गया। दूजे पासे दिल्ली के दंगा पीड़ितों के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर दिता गया। ऐसा क्यों? जबकि पंजाब दे विच सबना वध टैक्स हिंदू समाज के लोग देंगे ने। अज इस गल नूं लैके असीं अज शिवसेना पंजाब मीटिंग बुलाई है हुण साडे राष्ट्रीय प्रधान श्री सचिव कनौली जी पंजाब के कई इलाकों में रेफरेंडम के जो बोर्ड लगाए गए हैं उसके बारे में उस गल नूं लैके मीटिंग बुलाई है। शिवसेना पंजाब इहदे खिलाफ एक अंदोलन छेड़न जा रही है भी पंजाब सरकार इन्हां उत्ते नत्थ पावे नहीं तो शिवसेना पंजाब रोड के उत्ते उतरेगी सड़कां दे उतरेगी तो हिंदू रेफरेंडम की गल करेगी क्योंकि लोड़ सानू हिंदू रेफरेंडम की है पंजाब दे हिंदू समाज रेफरेंडम की लोड़ है ना कि सिख रेफरेंडम की लोड़ है। धक्का सिर्फ हिंदू समाज के नाल पंजाब दे विच हो रहा है दूजे दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। गौशाला ला लो गौशाला के सर गऊं की सुनवाई नहीं की जाती साडे इतिहासिक स्थान की गल कर लो उन्होंने लिए इन्हों को पैसे मुक जाते हैं पर अपने इतिहासिक स्थान की गल करिए तो उन्होंने करोड़ों रुपया रुपया अरब रुपया खर्च कर दिया जाता। तो फिलहाल सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए क्या असी हिंदू समाज की आवाज बन के आए हैं शिवसेना पंजाब हिंदू समाज की गल कर आए हैं भी हिंदुओं की आवाज सुनो जी कैप्टन की सरकार भी आई है हिंदू समाज की वोटों लैके आई है हिंदुओं की गल कर हिंदू हितों की गल कर हिंदुआ समाज के हितों की राखी कर जड़े कट्टरवादी लोग ने जोड़े पंजाब के खराब करना चाहते हैं हिंदू सिखा का दंगा करा चाहते हैं इन्हों उत्ते नत्थ पाई जाए इन्हों उत्ते NSA ला के इन्हों जेल च बंद किया जाना चाहिए। अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती सरकार की तरफ से अगर रोक नहीं लगाई जाती शिवसेना पंजाब का वड्डा एक विशाल मार्च साढ़े राष्ट्रीय प्रधान संजीव कनौली के नेतृत्व में अमृतसर तो लैके पंजाब के हर जिले के हर पिंड हर शहर जाके पंजाब विधानसभा का घराब करेगा चंडीगढ़ में कई शहरों में ऐसे होर्डिंग्स लगाए गए थे तो आपने क्या किया शिवसेना ने क्या शिवसेना पंजाब ने पहली डिमांड होंगी जी असी सरकार के कन्ना च अपनी आवाज पहुंचाई है उस तो बाद सरकार ने कि कोशिश की है भी इन्होंने बोर्ड उतारने शुरू कर दिए ने जोड़े उतरते भी पे तो हाई कोर्ट में भी कोई पता लगा कि अपने पीएल डाली गई है वो क्या है वो सारा शिवसेना पंजाब वालों एक IPL डाली गई है उसकी जिहड़ी तरीक नेक्स्ट आएगी तुहानू दस दित्ती जाएगी। इस पर एक तो मुद्दा हमारे चेयरमैन रजीव टंडन जी ने बता दिया दूसरा शिवसेना पंजाब ने एक आम पब्लिक से वादा किया था कि जो अमरनाथ यात्री जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए शिवसेना पंजाब अपनी तरफ से 20 लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए भेजेंगे जो 29 तरीक से हम लोगों ने 20-20 हर जिले से हथियारधारी लोग साथ में जा रहे हैं कि जो हमारी धार्मिक यात्रा है पिछले कई सालों से उसमें विघ्न डाला जा रहा था वहाँ पे पथराव किया जाता था गाड़ियाँ तोड़ी दी जाती थी उसके लिए सरकार तो जो अपने कार्य कर रही है लेकिन शिवसेना की तरफ से हमने 20-20 लोगों का एक जत्था उनके साथ भेज रहे हैं और भेजते रहेंगे जब तक ये यात्रा चलेगी। इससे पहले शिवसेना के वहाँ के गवर्नर से जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मिलकर उनकी सुरक्षा की बात की थी जो सरकार ने मान भी ली कहीं तक वहाँ पर आर्मी प्रोवाइड कर दी गई है। अब शिवसेना पंजाब जो पंजाब के हालातों के बारे में कुछ लोग पंजाब का माहौल फिर से ख़राब करना चाहते हैं आम पब्लिक को भी समझदारी दिखानी चाहिए सरकार को भी समझदारी दिखानी चाहिए क्योंकि पहले भी ऐसे ही पंजाब का माहौल ख़राब हुआ था जैसे अब हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री हिंदुओं के लोगों ने लाया आज हिंदुओं की समस्याओं को सरकार अगर नहीं ध्यान देगी तो हिंदू शिवसेना पंजाब पूरे प्रदेश के हिंदुओं को साथ लेकर सरकार को घेरेगी अपनी डिमांड्स मानेगी। अमरनाथ यात्रा की बात की जाए तो किस तरह की सुरक्षा प्रदान कर रहे हो आपके जो 20-20 लोग यहाँ हमारे जो अपने वेपन्स जिनका ऑल इंडिया लाइसेंस है अपने लाइसेंस वेपन साथ में लेके उनके साथ पठानकोट से 3 गाड़ियाँ जाती है एक बालटाल
और पहलगाम के लिए, वहाँ पे छोड़ के फिर वापस लौट आती है, दूसरा जत्था फिर जाता है, जो यहाँ से सुबह से जम्मू से जिन लोगों को छोड़ते हैं उनके साथ तीन गाड़ियाँ हमारी जाती हैं। कितने लोग आपके यहाँ वहाँ पे? 20 लोग हमारे जाते हैं एक ही जत्थे के साथ। एक जत्थे के साथ टोटल 120 लोग हमने तैयार कर रखे हैं हथियारों वाले, जो उनके साथ जाते हैं। जो जम्मू कश्मीर की तरफ से सुरक्षा दी गई है, आप लोग से सेटिस्फाइड नहीं है? सुरक्षा तो हर साल दी जाती थी, पिछली बार सुरक्षा देने के बावजूद भी यात्रा नहीं चल पाई, सुरक्षा ने यात्राओं को रोक दिया था। अब की बार हमने सरकार को बोल रखा था कि कोई यात्रा रुकेगी नहीं, आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं, हम खुद सुरक्षा करेंगे। एक पंजाब में जो सिख रेफरेंडम के होर्डिंग्स लगाए गए हैं उसके बारे में? उसके बारे में वैसे तो बता दिया, पर हम आपको फिर बोलते हैं कि अगर उस पर नथ ना डाली गई, हमारे PLV डाल रखी है हाईकोर्ट में, अगर सरकार ने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो हमने अमृतसर से पूरे हिंदुओं को इकट्ठे करके, शिवसेना के साथ और हिंदू संगठनों को इकट्ठे करके, हर गांव में हर शहर से इकट्ठे होकर चंडीगढ़ जाके ग्राफ करेंगे।